This is 1 Play Sports. You're watching our live coverage of Track Asia 2019. All the proceedings have come to an end. We're at the end of day 3, and joining me is the star not just at this event, but the star of Indian cycling. Esow Alben joins me, proudly displaying both his gold medals that he's won. This could have very well have been 3 gold medals. They came very close in the team sprint event as well, but he's won 2. And joining me is Mr. V. N. Singh. He's the head coach of the endurance team of the elite cyclists that you see from the Indian team. सबसे पहले आपके लिए बहुत अच्छा आपको फील हो रहा होगा 11 गोल्ड मेडल के साथ इंडिया ने टॉप किया. प्राउड मोमेंट फॉर इंडियन साइकिलिंग टीम. सर्टेनली इससे बड़ा मोमेंट क्या हो सकता है. भारतीय टीम जब पहली बार 2013 में यहाँ पर एक ब्रॉन्ज आई थी इसी इवेंट में, और आज हम 11 गोल्ड, 8 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज पर हैं. तो एसओ के बारे में इस टूर्नामेंट से पहले सब कह रहे थे देखेंगे जूनियर में तो नंबर 1 है, सीनियर्स में कैसा करेगा. थोड़ा इसने यूरोप में किया था, लेकिन आज यहाँ पर सबकी निगाहें थी. आप बतौर कोच कैसा आकेंगे इनके पर? मैं एक ही चीज़ इसके ऊपर मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ. जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत के विराट कोहली आया था तो एक आज विराट कोहली इंडिया का क्या है, तो वही चीज़ें हैं. वही चीज़ें जूनियर का अगर टॉप अंडर 19 वर्ल्ड कप द सेम थिंग हैज बीन रिपीटेड बाय एल्बम हियर इन दिस बिकॉज आफ्टर विनिंग नाउ ही इज विराट कोहली ऑफ इंडियन साइकिलिंग. Are you liking competing with the big boys in the senior level? You're enjoying it? Clearly the medals are showing. मज़ा आ रहा है? हाँ, काफ़ी मज़ा आ रहा है उनके साथ चला के, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला उनसे, और आगे और कंपटीशन मुझे अच्छा मिलेगा. एक चीज़ ना जो मैं आपसे ऑफ कैमरा बात कर रहा था, मैं चाहूँगा आप ऑन कैमरा भी बताओ. जब वो इंडिया का फ्लैग ऊपर जाता है तो आपको कैसी फीलिंग आती है? मेरे बाल के खड़ा हो जाता है और मुझे बहुत जोश सा फील आता है जब भी कोई नेशनल एंथम बजता है, और किसी के भी कंट्री का जब बजता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसने इतना मेहनत किया, और जब स्पेशली अगर हमारा बजता है तो मुझे बहुत प्राउड होता है इंडिया के लिए. हम अगर आगे वाले परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, एशियन चैम्पियनशिप आ रही है कोरिया में, वहाँ पे आप टफर ऑपोजिशन होगी, कोरियन साइकिलिस्ट होंगे, जापानीज़ होंगे, चाइनीज़ होंगे, उसके लिए कितना तैयार? उसके लिए हमारा प्रोसेस चल रहा है. कोच अभी हमारे ऊपर ध्यान दे रहा है. सो अभी थोड़ा रेस्ट है, उसके बाद फिर मैं अपने ट्रेनिंग स्टार्ट करेगा. तो काफ़ी टेंशन है. इनको ड्रेस की ज़रूरत भी है, इतना अच्छा परफॉर्म किया. लेकिन आप थोड़ा बताएं कि यहाँ पे तो इंडिया ने मेडल्स टैली टॉप किया, वहाँ पे टफ कंपटीशन है, कैसे देखेंगे एशियन चैंपियन? वेल सर्टेनली एक पायदान के बाद अगला पायदान आता है, और ये जैसे जैसे पायदान टफ होता जाएगा भारत को उसी के साथ फाइट करना है, और इसी तरीके से हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड से फाइट कर सकते हैं. तो निश्चित तौर पर यह अगला टेस्ट होगा जहां हम और बेहतर करने का प्रयास करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए मिस्टर वी एन सिंह. एसओ एल्बन, द सुपरस्टार ऑफ इंडियन साइकिलिंग. ऑल द बेस्ट, डू वेल.